फ्रेंड्स, मैं सरिता शर्मा। आज हम बैग बनाएंगे। फ्रेंड्स, इस बैग को बनाना बहुत ईजी है और ये देखने में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, और इसके अंदर स्पेस भी काफ़ी है। ये देखिए, पॉकेट, स्क्वायर पॉकेट बनाई है। दूसरी साइड हमने ये देखिए राउंड पॉकेट बनाई है। इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है और इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है। ये देखिए, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें ये वीडियो फ्रेंड्स, और कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए, और अंदर आप फिनिशिंग देखिए इसमें। ये देखिए, अंदर से भी ये फिनिशिंग बहुत इजी है इसको बनाना। चलिए शुरू करते हैं बैग को हम बनाना। देखिए, बैग बनाने के लिए मैंने सभी को क्विल्ट कर लिया है। ये हमारी स्ट्रिप है, स्ट्रिप को मैंने एक साथ ही क्विल्ट करा है। इसकी लेंथ है 25, एक स्ट्रिप की 25 है, और डबल करेंगे तो ये हमारी 50 हो जाएगी। ये हमने इकट्ठा क्विल्ट किया है। ऐसे ही ये पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट के लिए भी ये मैंने इकट्ठा ही क्विल्ट किया है। आप इकट्ठा क्विल्ट करेंगे तो इजी रहता है इसको क्विल्ट करने में, बाद में इसे हम कट कर सकते हैं। इसकी लेंथ है 20 और इसकी विड्थ है 10 इंच। तीन कलर की मैंने यहाँ जिप ली है, आप इसमें सिंगल कलर भी ले सकते हैं। इसको भी हमने क्विल्ट कर लिया है। इसका साइज हमारा है, लेंथ इसकी है 27 इंच, 27.5 इंच है इसकी लेंथ, और इसकी विड्थ है हमारी 17.5 इंच। छोटा बड़ा साइज़ आप इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले हम पॉकेट रेडी करेंगे। पॉकेट रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर स्ट्रिप रेडी करनी है पहले, जिसकी विड्थ है हमारी 2 इंच। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से स्ट्रिप फोल्ड हो जाती है। अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख कर आप ये सीख सकते हैं। अब ये देखिए, जितनी आपको पॉकेट लेनी है ऐसे जिप रखेंगे और यहाँ पर आप निशान लगा देंगे। हाफ इंच मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तक हम बाद में इसे कट कर सकते हैं। यहाँ से भी और वहाँ से भी हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए ऐसे रखना आपने, और इसको यहाँ से फोल्ड कर देना है। ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर हम पिन लगा सकते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी पिन लगा देंगे। पिन लगाने से आप आसानी से इसे सिल पाएंगे, या फिर आप इसे डायरेक्ट सिल सकते हैं। एक साइड से सिलेंगे, दूसरी साइड सिलाई आपकी आ जाएगी। इसको सिलकर हम रेडी करेंगे। ये देखिए, स्टिच कर इसे हमने कंप्लीट कर लिया। आपने ऐसे सिलना, ये देखिए दोनों साइड से ये स्टिच हो जाएगी। अब हम इसे ऐसे रखेंगे और पॉकेट के बिल्कुल साथ रखना है। अब ये राइट साइड है इसका और ये भी राइट साइड है जिप का। आपने इसको ऐसे रखना है और यहाँ से सीधी सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई लगाकर इसे हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसे हमने स्टिच कर लिया है। आपने ऐसे स्टिच करना है और अब इसे हम सीधा करेंगे। आप यहाँ पर एक पैर की सिलाई यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर आप इसके साथ साथ में जिप के साथ साथ सिलाई लगा सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसे सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। जिप लगाकर इसे हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए, अब एक्स्ट्रा जिप को हम यहाँ से कट कर देंगे। और यहाँ से भी इसको कट कर देंगे। इसको हम सेंटर में ही रखेंगे, नहीं तो ये निकल सकती है। ये एक स्टेप हम और बनाएंगे, जिसकी विड्थ 2 इंच है। देखिए, इसको हमने ऐसे रखना है, इसको यहाँ से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड और करेंगे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही तीनों साइड लगाकर इसे हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, स्ट्रिप लगाकर इसे हमने रेडी कर लिया है। इस तरीके से आपने इसको रेडी करना है। अब हम पॉकेट सेट करेंगे। पॉकेट सेट करने के लिए ये देखिए, यहाँ से हमने 3.5 इंच लिया है, ऊपर से हमने 1.5 इंच लिया है। और ये देखिए, यहाँ पर अब हम स्ट्रिप लगाएंगे। स्ट्रिप को ऐसे रखेंगे और इसके नीचे ऐसे दबा देंगे। ऐसे ही स्ट्रिप को हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से भी ऐसे दबा देंगे। चारों साइड से सिलाई लगाएंगे। जब यहाँ से सिलाई लगाएंगे, ये देखिए, यहाँ से ये हमारी स्ट्रिप यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ लगाएंगे, एडजस्ट हो जाएगी, और यहाँ से सीधी सिलाई लगाएंगे। यानी चारों साइड से स्टिच कर इसे हम कम्प्लीट कर लेंगे। देखिए, पॉकेट लगाकर इसे हमने कम्प्लीट कर लिया है। ये देखिए, अब हम दूसरी साइड भी पॉकेट लगाएंगे। इसमें हम
राउंड पॉकेट लगाएंगे। आप ऐसे पॉकेट भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मैं दोनों ही पॉकेट लगाकर आपको बता रही हूँ। ये देखिए सेम ऐसी ही पॉकेट थी, इसको हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से राउंड में हमने इसे कट कर लेना है। ज़िप आपने ऐसे ही लगानी है जैसे हमने उसमें लगाई, सेम ऐसे ही ज़िप लगानी है। स्ट्रिप लेंगे, स्ट्रिप को मैंने ये उरेब लिया है, राउंड में लगाएंगे इसलिए हम इसमें उरेब पट्टी लगाएंगे, उसमें हमने सीधी लगाई है। इसकी विड्थ भी हमने 2 इंच ली है और साइज़ आप इतना लेंगे जितनी आपकी पॉकेट बनेगी। सेम ऐसे ही लगाना है जैसे हमने उसको लगाया, लेकिन आपने इसको राउंड में लगाकर इसे कंप्लीट करना है। और सेम ऐसे ही आपने ये स्ट्रिप ऐसे लगानी है और इसको ऐसे लगानी है और इसको यहाँ से ऐसे लगाना है। जैसा वैसे वहाँ किया सेम ऐसा ही इसमें कर इसे आपने कंप्लीट करना है। पॉकेट बनकर हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। ये देखिए काफ़ी स्पेस है इस पॉकेट में। अगर आप इस पॉकेट को डबल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, सेंटर से आप निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक आप स्टिच कर देंगे। यहाँ तक स्टिच करना, पूरा स्टिच नहीं करना। फिर क्या होगा, आपकी ये वाली जिप सिंगल रहेगी और यहाँ से पॉकेट अलग हो जाएगी और यहाँ से भी आपकी पॉकेट अलग हो जाएगी। तो आप इसी में ही 2 पॉकेट और बना सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं इसमें। अब ये देखिए हम यहाँ पर जिप लगाएंगे। जिप लगाने के लिए आपने ये देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे, राइट साइड पे राइट साइड इसको ऐसे रखेंगे और सीधी स्टिच करेंगे। सीधी स्टिच कर इसको हमने ये ऐसे फोल्ड करना है और ये यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगानी जैसे हमने पॉकेट में लगाई है, सेम ऐसे ही इसमें लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। जिप लगाकर इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाई है। ये देखिए एक पैर की सिलाई लगाने से यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमारी जिप लगती है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे, स्ट्रिप को हम अंदर की साइड करेंगे और इसको ऐसे रखेंगे। अब ये वाली देखिए इसको हमने ऐसे रखना है, ये देखिए ऐसे रखना है इसको, राइट साइड पर राइट साइड। ये देखिए ये राइट और जिप का हमारा राइट साइड होगा। इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद इसे हम राइट साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे और एक पैर की सिलाई लगाएंगे जैसा हमने इसमें किया, सेम ऐसा ही इसमें कर कंप्लीट करेंगे। जिप लगाकर इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपने सीधा स्टिच करना है और यहाँ से सीधा स्टिच करना है। दोनों साइड से सिलाई लगाकर इसे हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपने इसे ओपन करना है और देखिए यहाँ से आपका 3 इंच आना चाहिए। ऐसे इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर आपका 3 इंच आ गया। ये देखिए इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। निशान लगाकर यहाँ पर हम पिन लगा देंगे और यहाँ से सीधा स्टिच करेंगे। सेम हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से स्टिच कर कंप्लीट करेंगे। इसे यहाँ से स्टिच कर लिया और यहाँ से स्टिच कर लिया। दोनों साइड आपने इसी तरीके से करना है। अब आपने यहाँ से इसे कट कर देना है 1/2 इंच लेते हुए। ये देखिए इस तरीके से। अब आप यहाँ पर इंटरलॉक कर सकते हैं या फिर आप ये स्ट्रिप लगा सकते हैं। स्ट्रिप कट कर लेंगे इसके लिए और इसके लिए स्ट्रिप कट कर लेंगे। आपने लगानी कैसे है ये देख लीजिए। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद यहाँ से सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई यहाँ तक लगाएंगे, यहाँ तक, और उसके बाद आप इसे सीधा करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। अब आपने इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर हमारी जो सिलाई आएगी इसके ऊपर आपने इसको ऐसे रख देना है और यहाँ से स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ से फिनिशिंग आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने इसको करना है, ऐसे रखना है, यहाँ से सीधी सिलाई लगानी है। इसको आप सीधा करेंगे, इसको आपने ऐसे मोड़ देना है। मोड़ने के बाद यहाँ से फोल्ड करना है और यहाँ से फोल्ड करना है। ये देखिए फिर यहाँ से फिनिशिंग आ जाएगी। दोनों साइड से आपने इसी तरीके से कर कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स साइड में स्ट्रिप लगाकर इसे हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए, ये देखिए ऐसे स्ट्रिप लगाने से बैग के अंदर भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। अब ये देखिए इसे हम सीधा करेंगे, इसके अंदर स्पेस भी काफ़ी है, पॉकेट भी हमने बड़ी लगाई है।
इसके सभी कॉर्नर साइड के, ये देखिए कॉर्नर आप इसे निकाल लेंगे अच्छी तरीके से, ये देखिए। और ये देखिए बैग हमारा बनकर ये रेडी हो गया। अंदर से मैं आपको स्पेस दिखाती हूँ, ये देखिए कितना स्पेस है, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। पॉकेट ये देखिए, पॉकेट में भी काफ़ी स्पेस है, ये देखिए, ये देखिए। मैंने दोनों साइड ये देखिए कलर अलग अलग लगाया, आप इस साइड से ऐसे ले सकते हैं और इस साइड से इस तरीके से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।